नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 21, 22, 23, 24 पर चर्चा करेंगे। सेन्योर अभ्योर मधे रथम स्थापया मे अचोयतम यावते तानि रक्षे योध कामना अवस्थितान कैर माया स अयोधवयम अस्मिनरण समुदय में। इस श्लोक में बताया गया है, अर्जुन श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं, हे कृष्ण, कृपा मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में रोक दो। मुझे यह देखना है कि किन किन योद्धाओं से मुझे युद्ध में लड़ना होगा। योत्स्यमानन एक से हम या एते तरस्मागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्भेदेर युद्धे प्रिया चिकीर्षवः। इस श्लोक का अर्थ है, मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो युद्ध में धृतराष्ट्र के बुरी बुद्धि वाले पुत्र के पक्ष के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अर्थात अर्जुन इस समय मानसिक रूप से व्याकुल है। उनको अपने ही गुरुजन और परिवार के लोग दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं। यह सब अर्जुन के मन के भीतर चल रहे द्वंद्व को उजागर करता है। एव मुक्तो हर्षिकेशो गुडाकेशन भारत सेन्योर अभ्योर मध्य स्थापयत्वारा रथोत्तम। अर्थात जैसा कि अर्जुन ने कहा था, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। इस प्रकार कहे जाने पर हर्षिकेश यानी श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की भक्त के प्रति समर्पण भावना और अर्जुन की मानसिक स्थिति को उजागर किया गया है। यहाँ पर हमें यह सीख मिलती है कि जीवन के युद्ध में सही दिशा में कदम उठाने के लिए एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। श्रीमद् भगवद गीता की इस खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।